बांधती है और भाई जो है वो अपनी बहन को ये आश्वस्त करता है कि पूरी जिंदगी उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा है। अगर बात की जाए बीकानेर की, जो कि बॉर्डर से सटा है, तो बॉर्डर से लेकर बॉर्डर भाइयों से लेकर शहर में तमाम जगह पर आपको जो है आज रक्षाबंधन का त्यौहार लोग धूमधाम से मनाते नजर आएंगे। कुछ तस्वीरें मेरे साथ हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन तमाम घरों में तमाम बहनें आज रक्षा सूत्र बांध रही है और एक खुशी का इजहार कर रही है। खास राजस्थानी पोशाक पहने खूबसूरत लिबास में बहने मिठाई खिला रही है, हाथ में हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है और कहीं ना कहीं भाई आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस आज का दिन आप बहनों का दिन और हमारे भाइयों का कर्तव्य। क्या कहेंगे सर, किस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे, बहुत महत्वपूर्ण वैदिक काल से चला आ रहा है, क्या कहेंगे? ये बहन और भाई का एक अटूट प्यार है जिसमें ये आज एक संकल्प लिया जाता है कि बहन के हर सुख दुख में भाई हमेशा उसके तत्पर रहता है और ये एक परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, आगे भी चलेगी। ये भाई और बहन का एक बहुत ही प्यार का त्यौहार है जिसको बड़े ही आज हर्षो उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आपने रक्षा सूत्र बांधा है तो कहीं ना कहीं दिल में ये बात रहती है कि भाई रक्षा करे, किस तरह से देखती है? जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत हर बहन के लिए खास होता है और वो पूरे साल इस दिन का इंतजार करती है। दुनिया के किसी भी कोने में वो, चाहे देश में हो या विदेश में हो, अपने भाई के लिए मतलब तुरंत पहले से टिकट बुक हो जाते हैं और दूर से यहाँ पर आती हैं और अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। आप बेंगलोर से पहुंची है खास तौर पर, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आज के दिन के भाइयों से लड़ाई करूँ, उनसे मजे करूँ और राखी बांधूँ और पूरा इंजॉयमेंट करूँ भाइयों के साथ, क्योंकि ये साल में एक दिन के लिए मनाया जाता है तो सोचते हैं कि इतना दूर से आना एंजॉय करना तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ड्रेस में भी यहाँ पर बहने नजर आ रही है, आप देखिए किस तरह से एक अलग पोशाक, कितनी खुशी आज के दिन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज भाई के लिए आई हूँ। आप बताइए, आपने राखी बांधी भाई को किस तरह से? जी बांधी। तो कहीं ना कहीं देखिए आशीष, खुशियाँ चारों तरफ है और ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बिल्कुल बेहद खास दिन है भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते के बीच। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तस्वीरें, आकर्षक तस्वीरें और जिस तरीके से आपने ये कहा भी कि पारंपरिक वेशभूषा में लोग नजर आ रहे हैं, जो बहनें हैं वो तो दूर दूर से आई हैं, कोई बहन अगर बेंगलुरु से आई है तो इसी खुशी के साथ, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करे, उसको उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। बहुत सारी और भी पुरानी यादें होती हैं ऐसे त्योहार में, ऐसे मौकों पर हम लोग आपस में, जब जो भाई या बहन एक दूसरे से दूर रहते हैं या शादी के बाद बहनें अपने ससुराल में होती हैं तो जब मिलते हैं तो बहुत सारे प्रसंग पुराने होते हैं वो चर्चाओं में आ जाते हैं घर परिवार के बीच में। जरा जिस परिवार के साथ में आप हैं उन बहनों से पूछिए, कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा वाकया भाई के साथ का याद आ रहा है क्या बचपन का? जी बिल्कुल आशीष, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि जब शादी करके बहनें वापस आती है रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर पर, तो शायद बचपन की यादें, तमाम वो चीजें जहन में रहती है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ, आप शादी करके जब ससुराल गई, वापस लौटी है रक्षाबंधन के त्योहार, तो बचपन की कुछ ऐसी यादें भाइयों के साथ आज वापस रिपीट हो रही होंगी कुछ ऐसी चीजें? जी बिल्कुल, एक ऐसी याद जो हमेशा राखी के दिन चलती है वो है गिफ्ट के लिए लड़ाई करना, तो बचपन से लेकर आज तक वही चलता आ रहा है। और खास तौर से उस दिन को मैं याद करती हूँ जब एक बार मैं गिर गई थी और उसके बाद मेरे भाई ने जिस तरह से मुझे केयर किया था, मुझे प्यार किया था, मेरा ध्यान रखा था, उसी वो वादा आज तक वो निभा रहे हैं। तो वापस अपने घर से, अपने ससुराल से हम लोग लौट के आते हैं आज के दिन और बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा होती है भैया के साथ। और बड़े भैया का होना तो जैसे कि एक मतलब एक लक होता है या फिर आशीर्वाद है बड़े भैया का, तो बहुत सारी यादें रहती हैं और इस साल भी मैं बहुत सारी यादें यहाँ से लेकर फिर जाऊँगी। आपके जहन में कोई यादें, कुछ बातें दिमाग में?